लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग तमिलनाडु में कंची अरुणाचलम चिदम्बरम जा रहे हैं। चिदम्बरम तो ये पहले हमारा पहला ट्रिप है। पहला तमिलनाडु का ट्रिप है। चेन्नई भी पहली बार जा रहे हैं। चेन्नई एयरपोर्ट में उतर के वहाँ से कंची जाने वाले हैं हम लोग। कंची में एक दिन रह के सेम डे अरुणाचलम जाने वाले हैं। अरुणाचलम में दर्शन करके गिरि प्रदक्षिणा करके उसके बाद चिदम्बरम जाएंगे। So beautiful, so elegant, just looking like a wow. Oh my god, it looks like twinkling stars. We are about to land in Chennai. We finally reached Chennai! This time I'm not able to do too much because I'm getting emotional. See that? तमिलनाडु। यहाँ से हम जाएंगे, कहाँ जाएंगे हम लोग? होटल कंची। हाँ कंची जाएंगे, वहाँ होटल में स्टे करेंगे। कल सुबह कंची से दर्शन करेंगे माता जी का, वहाँ से फिर जाएंगे हम लोग। कहाँ जाएंगे हम लोग? उसके बाद हम लोग जाएंगे अरुणाचल। चलिए भैया, यहाँ से हम लोग कंची के लिए निकलेंगे, इसलिए अगर आप देखिए सामने प्रीपेड टैक्सीस हैं। प्रीपेड टैक्सीस आपको 2200 रुपये 2200 मांग रहे हैं। इससे देखा जाएगा कि आप ओला या उबर कर लें, जो आपको 1600 में मिल रहा है। इस तरह आप 600 रुपये बचा सकें। हम उबर कर चुके हैं, हमारा गाड़ी जल्दी आने वाली है। हेलो हाँ, इतना कांची मशहूर है अपने मंदिरों के लिए।
कांची को दक्षिण भारत का काशी कहा जाता है। हम कांची कामाक्षी माता के दर्शन के लिए आए हैं। हम सुबह 5 बजे उठकर माँ का दर्शन के लिए आए हैं। मंदिर परिसर में प्रवेश के लिए 4 दिशाओं में 4 प्रवेश द्वार है। मुख्य द्वार पर एक तरफ काल भैरव और दूसरी तरफ महिषासुर मर्दिनी का मूर्ति लगा हुआ है। भोर का यहाँ वातावरण तन मन को छू लेता है, क्योंकि मंदिर के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी सख्त मना है। इसलिए हम माँ का दर्शन के बाद बाहर आके मंदिर का जो बाहर का परिसर है उनका वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी किया है। मंदिर बहुत ही सुंदर है, मन को बहुत छू लेता है। मंदिर का सामने एक बहुत बड़ा गजस्तंभ है जहाँ भक्त लोग जाकर दिया जलाते हैं। हम भी दिया जलाए और अपनी मनोकामना पूरी होने के लिए माँ से आशीर्वाद मांगी है। भारत के 51 शक्तिपीठों में से कांची एक है। कहा जाता है माँ शक्ति का नाभि का अंग यहाँ गिरा था। मंदिर सुबह 5:30 बजे खुलता है और दोपहर 12 बजे बंद हो जाता है। फिर शाम को 4 बजे खुलता है और रात्रि 9 बजे बंद हो जाता है। ब्रह्मोत्सव और नवरात्रि मंदिर के खास त्यौहार हैं। कामाक्षी मंदिर को पल्लव राजाओं ने 6वीं शताब्दी में बनाया था। कामाक्षी मंदिर से आदि गुरु शंकराचार्य का नाम भी जुड़ता है। इस मंदिर में उन्हें बहुत ज़्यादा आस्था था। इस मंदिर का श्री चक्र का निर्माण भी वे स्वयं किए थे।
कामाक्षी मंदिर के दर्शन के बाद हम विष्णु कांची में स्थित भगवान विष्णु का मंदिर, जो वरदराजन पेरुमल मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, उस मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए आए हैं। भगवान के दर्शन के लिए आज बहुत भीड़ है। लंबी लंबी कतारों में लोग लाइन में लगे हुए हैं। कहते हैं माता सरस्वती ने इंद्र को हाथी बनकर इधर उधर घूमने का श्राप दिया था। विष्णु भगवान का दिव्य शक्ति से इंद्र को माता सरस्वती की श्राप से मुक्ति मिली। भगवान विष्णु हस्तागिरी के रूप में यहाँ प्रकट हुए। ऐसा माना जाता है कि इंद्र ने देवी सरस्वती के श्राप से मुक्ति के बाद मंदिर में चांदी और सोने की छिपकलियों को स्थापित किया था, जो अग्नि साक्षी की गवाह है। मंदिर के इस पैनल की छत पर दो छिपकलियों को दर्शाया गया है। एक कहानी के अनुसार गौतम मुनि के शिष्यों को छिपकली बनने का श्राप मिला था। वे सब मंदिर में रहने लगे और विष्णु भगवान की दिव्य कृपा से श्राप से मुक्त हो गए। भगवान की असली मूर्ति तालाब के पानी के नीचे संरक्षित है। मंदिर में वरदराजन स्वामी की लकड़ी की मूर्ति है, जो अंजीर के पेड़ से बना है। असली मूर्ति को हर 40 साल में एक बार पूजा के लिए बाहर लाया जाता है। उत्सव 48 दिन तक चलती है और उसके बाद मूर्ति को फिर से विसर्जित कर दिया जाता है। पिछली बार 2019 में इस मूर्ति को बाहर लाया गया था और 48 दिनों का भव्य उत्सव मनाया गया था। तो दोस्तों, हम इस मंदिर में आकर भगवान के दर्शन किए और इस मंदिर में बहुत ही ज़बरदस्त ऊर्जा है। वरदराजन पेरुमल मंदिर का जीवन उद्धार सन 1053 में चोला राजवंश द्वारा किया गया था। इसका विस्तार कुलोत्तुंगा चोल प्रथम और विक्रम चोल के शासन में किया गया था। वरदराजन पेरुमल मंदिर में 100 स्तंभों वाली बहुत ही भव्य मंडप है। इस मंडप में विजयनगर साम्राज्य के वास्तुकला का अद्भुत नक्काशी का नज़ारा देखने को मिलता है। रामायण और महाभारत कथाओं का चित्रण बहुत ही सुंदरता से किया गया है। इस मंडप के बीचों बीच 4 स्तंभों वाली एक विवाह मंडप भी बना हुआ है। इस मंडप का सुंदरता उस समय का अद्भुत कलाकृति को दर्शाता है। इतनी बारीकी से पत्थरों को तराश कर उसे मन को छूने वाली सुंदरता देना, ये केवल भारत का कारीगर ही कर सकते हैं। एकांबरेश्वर मंदिर तमिलनाडु के मंदिरों के नगर कांचीपुरम का सबसे विशाल एवं भव्य शिव मंदिर है।
इसमें पीठासीन देवता के रूप में भगवान शिव हैं। भगवान शिव को यहाँ पृथ्वी के रूप में पूजा जाता है। आम लोगों के लिए मंदिर रोजाना सुबह 6 बजे से दोपहर के 12 बजे तक और शाम के 4 बजे से रात्रि के 8:30 बजे तक खुलता है। पीछे बने चबूतरे पर लगभग 3,500 साल पुराना एक आम का वृक्ष है। कहा जाता है कि इसी वृक्ष के नीचे माता पार्वती ने शिव भगवान को पाने के लिए कठोर तप की थी। भगवान शिव प्रसन्न होने के बाद इस आम वृक्ष में प्रकट हुए, इसीलिए उसका नाम एकम्बरेश्वर अर्थात आम वृक्ष का देवता पड़ा था। इस वृक्ष के एक तन को काटकर मंदिर में धरोहर के रूप में रखा गया है। यहाँ वृक्ष चारों वेदों का प्रतीक है तथा माना जाता है कि यहाँ 4 अलग अलग स्वाद वाले आम देता है। मंदिर परिसर में एक सुंदर तालाब भी है जिसे शिव गंगा तीर्थम कहते हैं। इस तालाब के मध्य में भगवान गणेश जी का एक मूर्ति भी स्थापित है।